मैं खुशरू आपका स्वागत करती हूं अखबार बानी गौसम में। फुकरा और मनीषा को साथ में देख के जिया शंकर ने मारी है टोंड। हालांकि जिया शंकर में इतनी अगर हिम्मत है तो सामने बोले ना तब पता चले कि आखिरकार ये पंगा ले सकती है या नहीं ले सकती है, आखिरकार ये उसकी बोलती बंद होगी या नहीं होगी। पर मुझे पक्का पता है अगर ये सामने बोलेगी ना तो मनीषा और फुकरा इंसान जो है जिया शंकर की बोलती एकदम बंद करवा देंगे। ये सब लोग मतलब कि मस्ती मजाक कर रहे थे रात को, और रात को मस्ती मजाक करते हुए मतलब कि आमने सामने बैठा है अविनाश का और एल्विश का। एल्विश और आशिका जो है एक ही बेड पे रहते हैं, और वहीं पर जो है फुकरा इंसान और मनीषा भी आ जाते हैं। उसके ऑपोजिट बेड पे जो है अविनाश, फलक और जिया बैठे होते हैं। ये लोग भी काफी सारी बातें कर रहे होते हैं, इधर ये भी काफी सारी बातें कर रहे हैं। फुकरा इंसान काफी सारी भूत की स्टोरियां जो है सुना रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर ये लोग ऐसी तो बातें नहीं कर सकते सीरियस गेम से रिलेटेड, बिकॉज सबको सुनाई देती है, तो मस्ती मजाक कर रहे हैं। एल्विश भी अपनी 1920 की लव स्टोरी जो है सुना रहे हैं, बना के कुछ भी बहुत ज्यादा हंस रहे हैं। तो ये जिया बहुत ज्यादा जल रही है कि मतलब कि इन लोगों की बॉन्डिंग कितनी अच्छी है। अंदर से वही होता ना, हेट ही होता ना, तभी ऐसी ऐसी टोंड ऐसी ऐसी बातें निकलती है। इनको बोलती है ये सामने वाला चैनल कितना ज्यादा बोरिंग है, और सबसे गंदी बात ये है कि हम इस चैनल को चेंज भी नहीं कर सकते। भाई तुम में एक्चुअली में कोई हिम्मत नहीं है, चेंज तुम कर नहीं सकती हो, और ये जो चैनल है ना लोग देखना बहुत ज्यादा पसंद करते हैं, इसीलिए तुम्हें देखना पसंद नहीं कर रहे। जिया शंकर क्या कहते हैं आप बताइए जरूर। मनीषा और फुकरा इंसान के फैंस इसके ऊपर कमेंट जरूर कीजिए, क्या बोलना चाहते हैं आप जिया शंकर को, क्या ये बोरिंग चैनल है दोनों का, या आप लोग सबसे ज्यादा इन्हीं को एंजॉय करते हो। इसी के साथ मैं लेती हूं इजाजत, नमस्कार।